तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर नाम आता है तो भाई साहब सबकी नजर कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित पर ऑटोमेटिकली चली जाती है, या फिर इन तीनों की छवि अपने आप आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि इन लोगों ने वो रेप्यूटेशन बनाई है मिर्जापुर को लेकर कि जैसे ही मिर्जापुर आएगा भाई साहब इनकी शक्ल आएगी। लेकिन सीजन 3 में ये सारा गेम चेंजिंग साबित हुआ है, क्योंकि इन तीनों का कोई भी इतना खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया गया है सीजन 3 में, जहां पर मुझे लगता है कि मेकर्स एंड क्रिएटर ने शायद अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा होगा कि अगर आगे जाके इन तीनों करेक्टर को भी हटा दिया जाए, एक नई पीढ़ी की शुरुआत करी भी जाए, तो ये कि बाकी की चीज़ें क्या संभाल लेंगी। इट मीन्स ये कि अदर कैरेक्टर्स जो इसका दूसरा पार्ट था वो क्या इसको संभाल लेगा। भाई साहब जबरदस्त संभाल लेगा, क्योंकि ये वेल मेंटेन होते नजर आया है। आज बात करेंगे इसी के बारे में, क्योंकि गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया और कालीन भैया भाई इसके बारे में सभी जानते हैं, और सीजन 3 पे इस पर इतना ज़्यादा कोई जोर भी नहीं दिया गया है। लेकिन दूसरा तबका जो इस सीजन 3 को उठा के लेके आया है पूरा अपने कंधों पर, क्योंकि ये लेंथी सीजन भी था और वो सारी चीज़ें भाई साहब हिट भी करके गई हैं। हाँ, सीजन 1 और सीजन 2 जैसा प्यार इस सीजन 3 को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक मैच्योर लेवल पर, एक डिप्लोमेसी के लेवल, पॉलिटिक्स के लेवल पर भाई साहब ये चीज़ बहुत दमदार देखने को मिली है सीजन 3 पर। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकैती के, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई साहब ये जो लिस्ट है इसमें पहला नाम आता है सरस शुक्ला का, जो भाई बिल्कुल बैकबोन बनकर साबित हुआ है। इसने पूरे सीजन को जबरदस्त संभाला है भाई, इसने अपने आप को प्रूव किया है कि यस, मुझे भी अगर ऐसा स्क्रीन टाइम मिलेगा तो मैं आग लगा डालूंगा। भाई कालीन भैया की छवि हम सभी जानते हैं, मिर्जापुर की गद्दी पे कोई एवं टुच्चा यार राज नहीं कर सकता। लाइक जिसके पास वॉयलेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जो भाई साहब पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी जिसकी दमदार है, कम्युनिकेशन पावर जिसकी दमदार है, लोगों से जितना कनेक्ट हो सकता है उसका वो चीज़ दमदार है, और वॉयलेंस तो है ही है, तो ये सारी चीज़ें भाई साहब मिर्जापुर की गद्दी के ओहदे के लायक वो बंदा है, जो गुड्डू पंडित के पास फिलहाल नहीं था वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिली है, जो मुन्ना भैया के फिलहाल में नहीं था वो चीज़ भी देखने को मिली थी। लेकिन सरस शुक्ला के अंदर ये दोनों ही चीज़ें थी। कालीन भैया की वो एक छवि थी जो कम्युनिकेशन पावर भी दमदार थी, जो डिप्लोमेसी पे अपनी कूटनीतियाँ जबरदस्त चला सकता है, और वॉयलेंस के दम पर भाई साहब इसने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, क्योंकि सीजन 2 तक ये एक अंडरडॉग देखने को मिल रहा था, दब्बू, एक पढ़ा लिखा टाइप का बंदा, लेकिन भाई सीजन 3 पे जो इसका एटीट्यूड देखने को मिला है, जो चेंजेस देखने को मिले हैं इसमें, उसकी डिप्लोमेसी, जो कूटनीतियाँ उसने चली हैं गुड्डू पंडित के सामने, जबकि गुड्डू पंडित जिसने त्रिपाठियों का सत्यानाश कर दिया और पूरे पूर्वांचल में भाई साहब उसके नाम मात्र से फट रही है लोगों की, लेकिन शुक्ला क्योंकि देखो उसका पर्सनल रिवेंज भी था उससे, लेकिन भाई हर एक मोमेंट पर गुड्डू पंडित को वो बीट डाउन करके गया था, हर एक मोमेंट पर वो उससे बेहतर देखने की कोशिश करा। भाई लास्ट में जब वो मरता है सरस शुक्ला, जिस हिसाब से कालीन भैया उसे मारते हैं, और लास्ट में जो वो एटीट्यूड था ना लास्ट में वो देखने का, कि भाई मरते मरते भी वो जबरदस्त एटीट्यूड दिखा के गया था। देन सेकंड कैरेक्टर की बात करें गोलू यानी गजगामिनी की, तो भाई जो इसने जबरदस्त संभाला है बैकबोन के रूप में, क्योंकि कालीन भैया का काम जो भी कर पाएगा वो मिर्जापुर की गद्दी पर राज करेगा और पूर्वांचल पर राज करेगा। गुड्डू पंडित की तरफ से गोलू हर एक वो अथक प्रयास करती है, वो डिप्लोमेसी को बरकरार रखने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, सारे बाहुबलियों को एक साथ जोड़ने के लिए, गुड्डू पंडित का वर्चस्व, उसका जो ओहदा है वो जबरदस्त बरकरार बनाने के लिए वो हर एक पॉलिटिकल वे में भी, और बहुत से चेंजेस भी देखने को मिले हैं। गोलू जो अभी तक बहुत पढ़ाकू थी, लेकिन भाई साहब इस समय ऐसी डिप्लोमेसी, क्योंकि एक वो दिमाग वाला काम जो होता है ना वो सूट भी उसी पे कर रहा था, और वो यस वो पढ़ाई में भी दमदार थी, तो बबलू का काम जो गुड्डू पंडित के लिए बबलू किया करता था सीजन 1 पर, वही काम गोलू यहां पर करके गई है, गजगामिनी करके गई है। तो जबरदस्त पार्ट इसका भी रहा है, जबरदस्त स्क्रीन टाइम इसको मिला है। तीसरा माधुरी यादव, भाई साहब SCM की पोस्ट पर ये जो करेक्टर देखने को मिला है, जो अलग लेवल की रणनीति थी, इसे किसी के ऊपर राज नहीं करना या कुछ नहीं, इसे बस भय मुक्त प्रदेश बनाना है, जो सारे बाहुबलियों को खत्म करना चाहती है, और लास्ट में ये अपने इस निर्णय पर सफल भी होती नजर आई है, जो कालीन भैया को हथियार बनाकर इसने इस्तेमाल किया है और सारे बाहुबलियों को खत्म कर देती है, लेकिन अपने गुड्डू पंडित बच जाते हैं, कालीन भैया बच जाते हैं, दूसरा अपना त्यागी जो बिहार में बैठा पड़ा है वो उसका अलग रौद्र रूप होने वाला है सीजन 4 में। देन भाई साहब चौथा इस सीजन 3 को वेल मेंटेन करके गया है, वो है छोटे त्यागी। भाई क्या कैरेक्टर है विजय वर्मा यार, ये बंदा इसने प्रूव किया है एवरी टाइम की, और इसमें भी अगर इसको और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता, सरस शुक्ला जैसी
इसे फॉर्म मिलती, जैसे सरस शुक्ला को हाईलाइटेड मिला है मेकर्स एंड क्रिएटर के द्वारा, अगर ऐसी चीज छोटे त्यागी को भी मिल जाए जो सीजन 4 में डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि सीजन 4 पे इनके पास और कोई है नहीं और सीजन 4 पर छोटे त्यागी का उभरना डेफिनेटली बनता है, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ नफरत करता था गोलू से, लेकिन अब वो उसको मार के रहेगा। गोलू जो सलीनी को हाथ काट कर आ जाती है, जो डेफिनेटली शायद मरने ही मरने वाली होगी, क्योंकि ये राइवेलरी तगड़ी दिखानी है तो भाई साहब सलोनी को मरना ही पड़ेगा। न्यू गाय सातवें नंबर पर, न्यू गाय की मैं अगर बात करूं, रहीम उर्फ कविराज, भाई इस बंदे को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन ये बंदा वायरल चल रहा है और ये बंदे की भाई ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने कविताएं करी हैं और जो लास्ट में ईविल कैरेक्टर देखने को मिला है, शुरुआत में इतना इनोसेंट दब्बू टाइप का करेक्टर, भाई ऐसा लग रहा था क्योंकि तरस आ रहा था उस पर, लेकिन जो सडन चेंज किया है, इविल करेक्टर जो देखने को मिला है, लाला को मारता है भाई साहब अंदर जाकर ये, और लाला को कौन मरवाता है, सक्का दायरा भाई साहब सरस शुक्ला पे ही जाता है, क्योंकि उसकी वो डील उससे तय होती है जो उसके साथ फाइनल नहीं हो पाती है, दैट्स व्हाई कि शायद वही मरवाएगा। लेकिन इस न्यू गाय ने भाई दिल लूट लिया, जहां पर एक शायरी उसने जेल में जो करी है भाई दमदार है, कि चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का लौड़ा। तो ये बंदा भी वैसा सीजन 4 पर चमकेगा। तो एंड देन आठवें नंबर पर बात करें तो बीना भावी की, जो अपने अलग लेवल की पॉलिटिक्स लेके चल रही है, जिसका प्यार अपने बच्चे के लिए है बियॉन्ड ऑल दैट थिंग, भाई उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस लोगों को मोहरे बना के इस्तेमाल कर रही है, जैसे कालीन भैया को उस समय कर रही थी, देन उसके बाद गुड्डू पंडित को इस समय कर रही थी, और आगे जाके जब लास्ट में कालीन भैया से इसके आमने सामने मुलाकात भी हो जाती है तो इतना खुश भी नहीं होती, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं कालीन भैया की। एंड दूसरी तरफ भाई साहब कालीन भैया जो बीना भाभी के इस बच्चे को अपना बच्चा समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो इसका भाई है, क्योंकि बच्चा तो बाबूजी का है, लेट्स वाई कि बीना भाभी कहीं ना कहीं अंदर वो झिझक है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें एक तरफ होके गई हैं और ये सारी चीज़ों ने भाई साहब लोगों को इंगेज करके रखा था पूरे 9 एपिसोड तक, क्योंकि 10th जो लास्ट एपिसोड था वो गेम चेंजिंग था बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर वापसी हो जाती है अपने कालीन भैया की, और कालीन भैया जो सीजन 1 और सीजन 2 में कालीन भैया देखने को मिले थे वही कालीन भैया हमें 10वें एपिसोड में मिले। पूरी वेब सीरीज में ना गुड्डू पंडित का जबरदस्त रोल है, ना कालीन भैया का जबरदस्त रोल है, और मुन्ना भैया तो इसमें है ही है। तो सीजन 4 अब वहीं पर आके शुरू हो चुका है जो सीजन 1 की कहानी थी, सीजन 2 पे एंडिंग थी। तो भाई ये चीज़ दमदार लगी मेकर्स की, ये जो घुमा फिरा के दोबारा से वहीं लेके आ गए, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित इनकी राइवेलरी स्टिल है, इनकी राइवेलरी जैसी शुरुआत में थी वही यहाँ पर भी है। तो ऐसा ये सारे कैरेक्टर उस रीढ़ की हड्डी का काम करके गए हैं जहाँ पर मुन्ना भैया की वो वैकेंट स्पेस थी। खैर मुन्ना भैया की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन भाई साहब उसको फुलफिल करने के लिए इन सारे कैरेक्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त दमखम लगाया है ताकि सीजन 3 पर इतनी भी कमी किसी को महसूस ना हो। हाँ सीजन 3 को वो प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि कहानी इंगेजिंग उस वे पर नहीं है जिस वे पर सीजन 1 एंड सीजन 2 फॉलो करता था। तो भाई साहब इन सारे कैरेक्टर्स में से अगर आपको भी ये सारी चीज़ें नोटिस हुई हैं तो इनमें से आपका बेहतरीन कैरेक्टर कौन सा रहा है जो आपका दिल लुट के लिख गया है? भाई मेरा अगर मैं बताऊं तो सरस शुक्ला रहा है जिसने ज़बरदस्त काम किया है भाई साहब, इसकी डिप्लोमेसी ऑल दैट थिंग भाई मेरा दिल लुट के लेके गया है ये बंदा। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।